ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, पांच राजयोग बन रहे हैं। 200 सालों के बाद में ऐसा हो रहा है कि इस दिन पांच पांच राजयोग बन रहे हैं। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, इन सभी के द्वारा और शनि के द्वारा, और इस दिन तो शनिदेव का जन्मदिन भी मनाया जाता है, और साथ ही गुरुवार पड़ रहा है, तो ऐसे योग बन रहे हैं। अगर इस दिन आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें, उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ देना है, फिर आप पितृ देवताओं की पूजा करें। पितरों के सामने आपको बैठ जाना है, एक पात्र में जल और दूध, काले तिल और चावल ले लेने, हाथ में कुशा लेकर के उन पितृ देवता भी तर्पयंता में ऐसा कहकर के पितरों के नाम से जल देंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे और स्नान का जल है पूरे घर में छिड़कना है, और भगवान के सामने खीर का प्रसाद व केले का प्रसाद आपको रखना है। आप पंचमेवा मक्खन मिश्री भी रख सकते हैं, और माता लक्ष्मी जी के सामने तो खीर का प्रसाद ही आपको चढ़ाना है। और पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना बोलनी है, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन तुलसी माता के सामने भी दीपक जलाना है, भगवान कृष्ण के सामने तुलसी पत्र आपको समर्पित करने हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, तो वट वृक्ष और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के आपको परिक्रमा करनी है। 108 पुत्र धन की मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि की चाल पांच राज्यों का निर्माण कर रही है। माना जा रहा है कि कई सालों के बाद ये राज्यों एक साथ बन रहे हैं। स्वयं राशि में विराजमान रह करके शुक्र, बुध और सूर्य वृषभ राशि में, बुध आदित्य राजयोग शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह राजयोग सबसे बड़ा राजयोग है। इस राजयोग के बनने से विशेष लाभ मिलेगा। अमावस्या के दिन गौ माता की पूजा की जाती है, बड़ा महत्व है गौ माता की पूजा का। जिनको भी पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, उनको गौ माता का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। गौ माता की पूजा से आपको बड़ा लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस दिन भगवान के सामने तुलसी चढ़ाते समय आपको अपनी इच्छा जरूर बोलनी है। इस दिन दोस्तों मेष राशि, वृषभ राशि और आपकी कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये राशियां हैं जो इस दिन बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। इस दिन शनिदेव की पूजा जरूर करें। शनिदेव के सामने दीपक जलाना है और काले तिल और गुड़ के लड्डू शनिदेव के सामने आपको समर्पित करने हैं। इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उसका 1000 गुना फल लाभ आपको मिलने वाला है और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बड़ी अमावस्या है, इस दिन वट वृक्ष पर एक सफ़ेद धागा आपको जरूर लपेटना है, और वट वृक्ष और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा इच्छा बोल के करनी है। इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करें और महिलाएं वट वृक्ष के नीचे श्रृंगार जरूर चढ़ाएं, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।